के किनारे बसा है मेरा गांव तेलीहाट, और तेलीहाट गांव की खेती बाड़ी भी इसी नदी के किनारे है। बरसात में नदी उफान पर होती है तब खेत भी बह जाते हैं और भूमि का कटान भी होता है, लेकिन सिंचाई विभाग और वन विभाग की दृष्टि सिर्फ राजस्व एकत्र करने तक सीमित है। गाँव को खतरा है लेकिन विभाग गहरी नींद में है। नदी में हो रहा खनन भू कटाव के लिए जिम्मेदार है। ग्रामीण महिलाओं के लिए नदी का रेता रोजगार का साधन बना हुआ है। उत्तराखंड में वर्षा के मौसम में प्रतिवर्ष होने वाले भूस्खलन से भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ हो रहे अवैध खनन भी इसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ गंगा और उसकी उप नदियों के अतिरिक्त गोमती नदी से देर रात तक रेता व बजरी की तस्करी आम बात हो गई है। बरसात में नदी बाढ़ आती है और बाढ़ में खेतों का नुकसान है, गांव का नुकसान है, और ये लोग खनन करना छोड़ नहीं रहे हैं। जितना खनन हो रहा है उतने नदी गहरे में जाती रही है। भूमि कटान और बाढ़ के कारण नदी किनारे बसे गांव तेलीहाट के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती है। घरों के करीब से भूमि कटान शुरू हो गया है। स्थानीय मीडिया और भूमाफियाओं की मिली भगत के चलते अखबारों व टीवी से खनन संबंधी खबरें गायब रहती हैं। अब खेती योग्य जमीन बहुत कम रह गई है, जो रह गई है उसे इस अवैध खनन से बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है। और निश्चित ही मुझे लग रहा है कि 2-3 सालों में ये गांव की जो रिहायशी इलाका है उसके अंदर ये नदी, अगर ये अवैध खनन नहीं रुका तो नदी का बहाव रिहायशी इलाके को अपने चपेट में ले लेगा। शहरीकरण के विस्तार के लिए रेता बजरी तो चाहिए, परंतु प्रशासनिक तौर पर यह तय होना चाहिए कि नदी किनारे बसे गांवों के समीप से बजरी व पत्थर का व्यावसायिक प्रयोग ना हो। मैं चाहता हूं कि इस तरह के खनन पर बिल्कुल भी रोक लगे, आबादी वाले क्षेत्र से खनन ना हो और जहां पर खेती की जमीन हो वहां पर खनन ना हो। उत्तराखंड जनपद बागेश्वर के तेलीहाट गाँव से मैं विपिन जोशी, इंडिया अनहर्ड के लिए।